नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीट न्यूज। खबर पटना सिटी से है। पटना सिटी के खाजेकेरा थाना पुलिस और बाईपास पुलिस ने दो विभिन्न घटनाक्रमों में तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से दो पिस्टल, एक देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस, एक मिस फायर गोली के अलावे एक मोबाइल भी बरामद किया गया है। पहली घटनाक्रम खाजेकेला थाना के जिरिया तमोली गली का है, जहां पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से इलाके में घूम रहे दो अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से दो पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस के अलावे एक मोबाइल भी बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान खाजेकेला थाना के गुरहट्टा निवासी राजा कुमार और साहिल यादव के रूप में की गई है। दूसरी घटनाक्रम बाईपास थाना क्षेत्र के बाहरी बेगमपुर इलाके का है, जहां पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर इलाके में दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग कर रहे एक अपराधी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देसी कट्टे के अलावे एक मिस फायर कारतूस भी बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान बाहरी बेगमपुर निवासी सन्नी कुमार के रूप में की गई है। पटना सिटी के खाजेकेला थाना में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिटी DSP 2 डॉक्टर गौरव ने तीन अपराधियों के गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए पुलिस द्वारा इनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जाने की बात दोहराई है। ब्रीफ है वो हमारे दो थाना क्षेत्र में कल रात्रि को कल दो घटना घटी। पहला जो घटना है वो खाजकला थाना क्षेत्र में घटा, जो कि दिनांक 6/4/24 को घटा। रात्रि में एक गुप्त सूचना हमारे SHO खाजकला को मिला, और गुप्त सूचना जो मिला उसमें ये था कि दो लोग लोडेड पिस्टल के साथ कोई घटना को अंजाम देने वाले थे, और ये सूचना SHO ने अपने जो गश्ती थी, पेट्रोलिंग थी, उसको सूचित किया। और उसके साथ साथ हमारा मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग भी है, वो भी एक्टिव रहता है। और ये दोनों जो पेट्रोलिंग था, ये जिरिया तमोली गली, यहाँ से हमें सूचना मिला, और यहाँ पर इन दोनों पेट्रोलिंग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो लोग को गिरफ्तार किया, राजा कुमार और शाहिल यादव। और इन दोनों के पास पिस्टल था, और जो कि लोडेड था। एक के पास 6 राउंड गोली लोडेड था, और एक के पास 4 राउंड गोली लोडेड था। तो जो रिकवरी हुआ है, बरामदगी, 2 पिस्टल, 10 राउंड जिंदा गोली और एक मोबाइल को रिकवर किया गया है। और इस गश्ती दल में जो पुलिस ऑफिसर थे वो फूलन राम थे, जो हमारी पेट्रोलिंग होती है रात्रि गश्ती, और उसके साथ साथ मोटरसाइकिल गश्ती जो हर एक गली में मूवमेंट करती है पटना सिटी के इलाके में, उसमें परिक्षमान कुंवनी विकास कुमार सिंह जो है इसको लीड कर रहे थे। तो इन दोनों की तत्परता से और SHO के सही समय में सूचना देने से हमें ये सफलता प्राप्त हुई। और इसमें इस छापेमारी दल में और भी जवान हमारे शामिल थे, उसमें सरोज कुमार, धर्मेंद्र कुमार यादव DAP जवान थे, और गृह रक्षक कपिल पासवान, रामदेव राय और राजेंद्र राम, ये लोग इसमें छापेमारी में शामिल थे। सर, गिरफ्तार अपराधी का कोई पुराना रिकॉर्ड भी? देखिए, अभी तो हम लोग खंगाल रहे हैं, आसपास के थाने से पता कर रहे हैं, और जिस तरीके का इन्होंने कृत्य किया है, और हम लोग और सब थाना जो भी सब डिवीजन से उनसे भी हम लोग इनका डिटेल ले रहे हैं। सर, प्रथम दृष्टया क्या लगता है? तो ये हम लोग अभी इसका जांच कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ये लोग करना चाह रहे हैं, इनके गैंग मेंबर्स के बारे में पता कर रहे हैं, और रात को जिरिया तमोली गली में ये क्या कर रहे थे इसकी भी जाँच चल रही है। तो जैसे ही जाँच जो पूर्ण होगा, मीडिया के समक्ष रखा जाएगा। वहीं बाईपास